हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्मार्ट जॉन फॉर स्मार्ट आंसर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे संविदा शिक्षक वर्ग 3 के लिए जो यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुई उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो आपके यहाँ पर 20,000 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है, आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो कब तक है अप्लाई करने की, और एग्ज़ाम डेट्स क्या होंगे सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, तो सारा कुछ यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कशन होने वाला है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, इस वीडियो को जैसे अपने दोस्तों का शेयर करना गाइस। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, वैकेंसी की बात करें तो बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी आपके लिए दी गई है। ठीक है, 20,000 प्लस यहाँ पर आपकी वैकेंसी है, यानी कि 20,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, देखते हैं वहाँ पर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो आपको जाना चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्म फिल करने की जो डेट है आपकी स्टार्ट होगी यहाँ पर 6 जनवरी से। ठीक है, और अभी 20 जनवरी तक चलने वाली, यानी कि 20 जनवरी तक आपकी यहाँ पर फॉर्म फिलअप चलने वाली है। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको सिर्फ 15 डेज़ दिया गया है। फॉर्म भरने की यहाँ पर जो टाइम है आपको सिर्फ 15 डेज़ दिया गया है। 15 दिन में आपका यहाँ पर फॉर्म फिलअप बंद हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर 6 जनवरी यानी कि आज से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर बात करें और यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर चाहिए, तो आप देख सकते हो जो यहाँ पर जो डेट दिया गया है, जो आपकी जो चेंजेस की डेट है, मतलब आप फॉर्म में अगर कुछ गलत करते हो उसको चेंज करने की जो डेट है वो आप देख सकते हो। स्टार्टिंग से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट ये चलेगा 25 जनवरी तक आपका यहाँ पर चलने वाला है। ठीक है, तो ये आपकी 25 जनवरी तक लास्ट डेट होने वाली है, उसके बाद आप फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बात करें और कुछ, तो यहाँ पर देख सकते हो फॉर्म फीस आपके 500 रुपये लग रहे हैं, यानी कि जो UR में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, वो इनके 500 रुपीज़ चार्जेस लग रहे हैं अगर फॉर्म फी की बात करें तो। ठीक है, उसके बाद अगर देख रहे हैं यहाँ पर बाकी OBC जो कैटेगरी में आते हैं, SC ST में आते हैं, उनके यहाँ पर 250 रुपये लग रहे हैं फॉर्म फ़ी। ठीक है, उसके बाद और डिस्कस यहाँ पर करते हैं डिटेल्स, और यहाँ पर बात करें और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिफिकेशन में दी गई है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एग्ज़ाम की जो डेट्स इधर दे दी गई है। ठीक है, शिफ्ट दिया गया है आपका यहाँ पर, और टाइम, रिपोर्टिंग टाइम और टाइम वगैरह यहाँ पर दे दिया गया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो आपका एग्ज़ाम 25 अप्रैल को कंडक्ट कराया जाएगा, 25 अप्रैल को आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उसके बाद जो आपकी शिफ्ट रहने वाली है, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, पाली आप देख सकते हो 1 एंड 2 यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम आपका यहाँ पर जो इनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा उनका 7 से लेकर 8 बजे के बीच में रहने वाला है, और जिनका सेकेंड में होगा उनका 12 से लेकर 1 बजे के बीच में आपका रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो जो आपका टाइम है वो 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा एग्ज़ाम में, 2 घंटे के नहीं, 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आपको 150 रहने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट की ओर, और क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर आप 12th यहाँ पर पास हो, वो भी मिनिमम 50% आपके मार्क्स हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, बिल्कुल एलिजिबल हो इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है गाइस, इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, तो आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होने वाला है वो OBC एंड ST SC यानी कि रिजर्व कैटेगरी वाले के लिए 50% होने वाला है। ठीक है, और 60% अन्य यानी कि जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए होने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करें और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो अगर बात करें यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आपको यहाँ पर ऑफिशियल साइट पे जाना है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ऑफिशियल साइट यहाँ पर मेंशन किया गया, आप देख सकते हो। ठीक है गाइस, और यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और पेमेंट मोड की बात करें तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, UPI एंड भीम ऐप के थ्रू आप पेमेंट भी कर सकते हो ऑनलाइन। और इसके एग्ज़ाम सेंटर की बात कर लें तो टोटल यहाँ पर 16 यानी कि 16 एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं, आप देख सकते हो। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो, या ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हो आप। ठीक है, फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्ज़ाम की तरफ, यानी कि जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं नंबर 1 में, आप देख सकते हो आपके पूरे 150 मार्क्स के यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाले, यानी कि 150 अंक के आपके एग्ज़ाम होंगे, जिसमें कि 2 घंटा और 30 मिनट आपको दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का आपका टोटल एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें कि आपको 150 क्वेश्चन देने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें माइनस मार्किंग की, तो यहाँ पर कोई भी माइनस मार्किंग आपका नहीं है, तो आप अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो वहाँ पर माइनस आपका
यहाँ पर जो मार्क्स है वो नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एमसीक्यूज दिए जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन आपको टिक करने, और ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे तो ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अगर सिलेबस की डिस्कशन की बात करें, तो सिलेबस आप देख सकते हो यहाँ पर, टोटल आपके 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जिनमें कि सभी से यहाँ पर 30 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन एंड 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका एक मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। सो अगर सब्जेक्ट्स की बात करें, तो आप देख सकते हो सबसे पहले आपका आता है यहाँ पर बाल विकास, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट आता है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेजेस 1, लैंग्वेजेस 2 आप देख सकते हो, भाषा 1, भाषा 2 आता है। फिर आपका गणित यानी कि मैथ आता है, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी आता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए, 150, एंड क्वेश्चन भी हो गए 150 आपके, ठीक है। तो इसके अगर सिलेबस आप डिटेल्स में देखना चाहते हो, तो यहाँ पर आपकी सिलेबस भी डिटेल्स में है, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से अपने सिलेबस को डिटेल्स में देख सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये आज की फुल नोटिफिकेशन है, जो कि यहाँ पर आई है संविदा शिक्षकों के लिए आई है, ठीक है। वर्क 3 संविदा शिक्षकों के लिए आई, तो जो भी यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो, जरूर से फिल करना, अच्छी खासी वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी आपके लिए यहाँ पर आई है। सो गाइस, ये थी आज की नोटिफिकेशन, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बहुत सारे जॉब अपडेट के लिए। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।